गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जी रोलर और मोटोजैक के बारे में। कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है और क्यों, इसको हम यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों के बारे में। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है और कौन सा आपको लेना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका यूज बता दूं जिसको इसके बारे में पता नहीं है, इनका यूज क्या है। प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट का यूज सेम है। इनका यूज होता है चेन क्लीनिंग और चेन लूबिंग के लिए। आपने देखा होगा जितनी भी हाई एंड बाइक्स आती हैं उसमें सेंटर स्टैंड नहीं होता है, तो सेंटर स्टैंड ना होने की वजह से हम ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज करते हैं और चेन क्लीनिंग में और चेन लुब्रिकेशन में भी इनका यूज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जी रोलर की, जो कि है ग्रैंड पिटस्टॉप का प्रोडक्ट। और क्वालिटी की मैं बात करूं तो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, प्रीमियम प्रोडक्ट है और काफ़ी हैवी है। पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसके जो नीचे ग्रिप्स दी हुई है, रबर ग्रिप्स दी हुई है, ये भी बहुत अच्छी है। इसको मैं ऑलरेडी 3-4 बार यूज़ कर चुका हूँ। मैं आपके सामने इसको यूज़ करूंगा और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आइए आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ कर कैसे करते हैं और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स। सो दोस्तों, अभी मैं इसको बाइक पे लगाने जा रहा हूँ, पिछले टायर पे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ लगाना कैसे है। इसमें दो रोलर्स हैं, आप देख सकते हो, दो बड़े रोलर्स हैं और एक छोटा सा स्टील का रॉड लगी हुई है। तो जो स्टील की रॉड है इसको हम टायर के पास लगाएंगे ताकि टायर इस पर इजिली चढ़ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अभी हमारा जी रोलर सेट हो चुका है, तो अभी मैं टायर को घुमाऊंगा। ये मेरा टायर घूम रहा है, आराम से घूम रहा है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी मैं आपको इसका पूरा रियल टाइम केस बताता हूँ। जब बाइक है 180 किलो की, ठीक है, इतना हैवी वेट होने की वजह से ये घूमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हैवी बाइक्स में प्रॉब्लम आएगी। तो हालांकि रोलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोलर एकदम स्मूथ है, बट क्योंकि ये हैवी है इस वजह से थोड़ी सी मेहनत लग रही है। तो अब आप ये देखिए, रियल टाइम की अगर मैं बात करूँ, अब आप चेन जब आप इस पे क्लीन करोगे और चेन ल्यूब करोगे, दो राउंड होंगे। एक राउंड में आपको कम से कम 6-7 बार आपको ये टायर घुमाना पड़ेगा, राइट। 6-7 मतलब आपने एक बार घुमाया, उसके बाद आपने चेन क्लीन किया, इसी तरह से आपको चेन ल्यूबिंग में भी करना पड़ेगा। तो टोटल आपको 10-15 बार आपको चेन घुमाना पड़ेगा। तो ये श्योर है कि आपके पसीने जरूर निकल जाएंगे, क्योंकि ये हैवी है, थोड़ा सा मेहनत लगती है, राइट। तो ये मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा इसका, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हम क्यों मेहनत करेंगे। अगर आप किसी पहाड़ों पर जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हो, वहाँ अगर आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ गई तो आप थक जाओगे। और वैसे भी अगर आप डेली अब यहाँ पे भी हो और जी रोलर लगा के साफ कर रहे हो तो टाइम लगेगा और थकावट हो जाएगी। मैं यूज़ कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसलिए सेकेंड माइनस पॉइंट ये है, अगर आप इसका यहाँ देखो, ये स्टील में, ये 180 किलो की बाइक, इतनी हैवी बाइक है, मेरे को कई बार डर लगता है कि ये टायर स्किट ना कर जाए और रोलर से बाहर ना जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको इंजरी होने के चांसेस होंगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये हल्की सी स्किट होती है जब आप इनिशियली इसको घुमाते हैं। तो ये तो होगी जी रोलर की बात। अब हम करेंगे मोटोजैक की बात। अब मैं आपको दिखाऊंगा मोटोजैक लगा के और फिर मैं उसकी बताता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद आप डिसाइड करना कौन सा बेटर है। अब हम बात करते हैं मोटोजैक की। तो मोटोजैक की मैं बात करूँ, ये आपको दिखेगा, ये भी अच्छी क्वालिटी में है, अच्छी फिनिशिंग में है और इसको यूज़ करना जी रोलर से ज़्यादा इजी लगा मुझे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके साथ बॉक्स टाइप में आता है, एक ये जैक आता है, एक ये स्ट्रैप आता है और एक ये ग्रिप आती है। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो अभी हम फिट करने जा रही है स्ट्रैप। इस स्ट्रैप को हम लगाते हैं हैंड ब्रेक्स पे ताकि जो हमारा फ्रंट टायर है वो आगे खिसके ना, इसको रोकने के लिए स्ट्रैप का यूज किया जाता है। क्योंकि जब आप बाइक उठाएंगे मोटोजैक से तो ये आगे की तरफ जाएगी, तो उसको रोकने के लिए स्ट्रैप यूज किया जाता है। आइए दिखाते हैं।
तो ये हमने सेट कर दिया ब्रेक, इसकी कर दी टाइट। इस तरह से सेट होगा, इसकी ग्रिप हम नीचे लगाएंगे और ये स्टैंड जो ये लॉन्ग रॉड है वो नीचे की तरफ आएगी, शॉर्ट रॉड ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पे कोई भी फ्लैट सरफेस देखकर इसको आप सेट कर लीजिए और यहाँ से आपको पुश करना है। कोशिश करिए पैरों से या लेग से यहाँ से अवॉइड कीजिएगा, हाथ उंगली ना आ जाए। हल्का सा अगर आप पाइप को उधर धक्का दे देंगे तो बहुत ईजी रहेगा। मैंने इसको सो मोटोजैक लग गया। अब मैं इसको घुमाता हूँ। अब आप देख सकते हो इसका जो रोलिंग है कितना इजी हो रहा है, नॉर्मल, बहुत इजीली मैं इसको घुमा पा रहा हूँ, जबकि जी रोलर के अंदर मुझे जोर लगाना पड़ रहा था और ये मैं बहुत इजीली घुमा पा रहा हूँ। इसको उतारना उतना ही इजी है। इसको एक स्ट्रैप दिया हुआ, इसको जस्ट हम पुल करेंगे और ये उतर जाएगा। सिंपल उतारने के लिए इसको हम पुश करेंगे और बाइक को थोड़ा सा उधर पुश करेंगे और इसको खींच देंगे। ये हो गया दोस्तों, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको दिखा दिया, टेस्ट दिखा दिया करके, और कौन सा लेना चाहिए वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दिया है कि आप मोटोजैक के लिए जाइए। मोटोजैक मेरे हिसाब से मोटोजैक विनर है। और इसकी जो पैकिंग है वो इस तरह की आती है, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा। इसमें अलग अलग बाइक के हिसाब से आप अलग अलग वेरियंट ले सकते हो। ये मुझे 1500 के आसपास पड़ा था, मैंने डोमिनार के लिए लिया था। और ये ग्रैंड पिटस्टॉप की पैकिंग है इस टाइप की। सो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लेना है, कौन सा लेना है। तो मेरा सजेशन है मोटोजैक, आप इस पे जा सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं जो यूज़ किया वो मैं जस्ट एक रिव्यू बना रहा हूँ दोनों का, और रिव्यू बना के मैंने आपको दिखाया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और जल्दी मैं फिर से एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी राइडिंग गियर्स के बारे में बताऊँगा और अपने जो डोमिनार की जो मॉडिफिकेशन हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो तब तक के लिए गुड बाय।